हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की क्षितिज की बुक लें गद्य खंड से चौथा चैप्टर ले रहे हैं, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। और इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन जी के बारे में। तो आगे हम पाठ में विस्तार करते हैं। पहले हम एक जीवन परिचय देखते हैं जाबिर हुसैन जी का, कि जाबिर हुसैन जी का जन्म जो है 1945 के अंदर मोहनी गाँव राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ था। और इसके बाद हम आगे जाने कि जाबिर हुसैन जी के बारे में, कि जाबिर हुसैन जी जो है हिंदी अंग्रेजी उर्दू के अंदर समान रूप से लिखा करते हैं, इनकी भाषाओं का इनका इतना ज्ञान होता है। आगे हम बात करते हैं इनके बारे में कि आगे जाबिर हुसैन जी ने सक्रिय राजनीति के रूप में भी भाग लिया था, यानी उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश एक देखिए साहित्यकार होने के साथ साथ राजनीति भी सक्रिय रूप में रहते हैं। इसके बाद देखिए कि बिहार की राजनीति में उनका प्रवेश कैसे होता है, कि आगे जो बिहार था, बिहार में जो विधानसभा होती है इसके सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं। उसके बाद बिहार की जो विधानसभा है उसमें सभापति के रूप में भी मनोनीत किए जाते हैं। जब हुसैन जी का अधिकार था कि इनमें हिंदी उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान रूप से अधिकार था। जैसे हम देखते हैं कि भाषाओं का ज्ञान होता है लगभग में, जैसे हम एक भाषाओं में होते हैं या दो से होते हैं, लेकिन जाबिर हुसैन जी जो साहित्यकार हैं हमारे इतने प्रखर हैं कि उन्हें तीन तीन भाषाओं का जो है व्याकरण संबंधी पूरी तरह का ज्ञान उन्हें होता है। आगे हम बात करें कि जीवन के उनकी लेखनी के विषय आगे बोलते क्या थे, किन विषयों पर वो चर्चा करते थे, किन विषयों पर वो लिखा करते थे। तो आगे देखिए हम कि जीवन के अनुभव उनके जो प्रमुख विषयों में होता था, उनकी रचनाओं में जो मिलता था कि जीवन के अनुभव यानी हम जो कई ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, अब जीवन के अनुभव हमारे भी हो सकते हैं या किसी और व्यक्ति के भी हो सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन ही किसी के लिए प्रेरणादायी होता है, तो उनके जीवन के अनुभव को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके साथ आम आदमी का संघर्ष, जैसा कि देखा कि आम आदमी जो होता है नॉर्मल आदमी बात करें जो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, कितनी दुख तकलीफ हो सकता है, उसमें आने वाली परेशानियां बच्चे के करता है, कई तरह की उसके सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती है किस तरह से उसका सामना करता है। हम ये देखते हैं कि आम आदमी पास होता है कि होने को हम बोले तो होने को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसके लिए वो जीवन यापन करता है, किस तरह उसका अर्जन करता है, काम धंधे भी करता है, तो सारी समस्याएं जो उसके सामने आती है उसका प्रस्तुतिकरण करता है। आगे हम बात करेंगे उनके जो व्यक्तित्व की विशेषताओं को वर्णन करते हैं, तो कैसे व्यक्तित्व होता है, विशिष्ट व्यक्तियों पर लेकिन उसका पूरा जीवन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, शायद हो सकता है कि उनके कुछ जीवन के कुछ उदाहरण हो सकते हैं या उनके से कर्तव्य हो सकते हैं या उनका सा आदर्श हो सकता है। अब जैसे बात करें विशिष्ट व्यक्ति कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे लिए हो सकते हैं जैसे विवेकानंद जी हो सकते हैं, दयानंद सरस्वती जी हो सकते हैं, इनका पूरा जीवन ही एक ऐसा कर्तित्व बन के हमारे सामने आता है जिसका पूरा जीवन हम क्या करते हैं, पूरा जीवन जो है उनके जीवन को पालन करते हैं, उनके आदर्श को, उनकी दिव्य व्यक्तित्व को, उनके दिव्य ज्ञानों को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, और हम अपने जीवन में उन आदर्शों को ग्रहण करके आगे क्या करते हैं जीवन यापन शुरू करते हैं। आगे हम देखें डायरी के बारे में बात करते हैं कि जो साहित्य होता है उसके अंदर हिंदी साहित्य की हम बात करें चाहे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के अंदर जो हमारे लेखन है उसमें कई सारी विधियों का प्रयोग होता है। जैसे कि एक तो हम पढ़ते हैं किसी भी भाषा को किसी रूप में पढ़ते हैं, उसके गद्य और पद्य रूप होते हैं, आपने गद्य रूप में बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी, इसके साथ हम देखें पद्य रूप में देखें पद्य रूप में कई सारी कविताएं आती है, कविताओं के आपने पढ़े हैं, दोहे पढ़े हैं, छंद पढ़े हैं, ये सारी कविताओं में। इसके अलावा कई सारी विधाएं होती है जिसमें डायरी शैली होती है, डायरी हमारे क्या काम में आती थी, जैसे डायरियों का आपने देखा होगा कि डायरी लिखी जाती थी हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं होती है उनको हम उसमें क्या करते थे लिखते जाते थे, लेकिन दैनिक जीवन में कौन सी घटनाएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती थी हमारे या आने वाले समय में किसी के लिए लाभदायक हो, ऐसी बातों को हम डायरी में लिखते थे। तो हिंदी विधा के गद्य विधा के अंदर भी डायरी एक शैली के रूप में माना जाता है, यानी अपनी बात को डायरी के रूप में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यह देखिए कि उन्होंने विशिष्ट व्यक्तियों पर डायरी लिखी, यानी विशिष्ट व्यक्तियों का जो वर्णन हो रहा है उन्होंने डायरी के रूप में बताया कि डायरी के द्वारा डायरी में उन्होंने विशिष्ट व्यक्तियों का करा, उनके जीवन के कुछ जुड़े अनजुड़े पहलुओं को भी अपने डायरी के अंदर लिखा है। आगे बात करें कि उनका जो प्रयोग है, हमने अभी तक कहानियां पढ़ी थी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा है कहानियां भी प्रारंभ से हुई थी, इसके आगे देखिए डायरी लिखा हमने अभी हम प्रयोग, यानी उन्होंने डायरी को क्या करा एक नई शैली के रूप में प्रस्तुत किया कि डायरी में केवल एक काम नहीं कि हम अपने दिनचर्या को लिखते जाए कि हम किसी व्यक्ति विशेष से मिल रहे हैं या हमारे जीवन में आज कुछ नया घटित हुआ है,
उन्होंने डायरी के अंदर क्या करा कि कोई ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में, उसके जीवन आदर्श के बारे में भी क्या करा हमारे को डायरी के जरिए हमें बताने का प्रयास किया है। आगे बात करते हैं उनके बारे में कि उनका जो जीवन है अपने लंबे जीवन में, जहाँ वो एक तरफ तो साहित्यकार भी है, दूसरे हम देखें कि जैसे विधानसभा, बिहार की विधानसभा से जुड़े थे, तो दोनों साहित्यकार और राजनीतिक जीवन की एक लंबी यात्रा उन्होंने प्रारंभ की थी। और दोनों में देखें तो दोनों ही रूपों में या दोनों ही अलग अलग जो है क्षेत्रों में उनका समान रूप से योगदान रहा है, और दोनों क्षेत्रों में अपना नाम उस तरह से क्या कर उज्ज्वल रखा है। आगे देखें कि हमने जब बात करी थी उनके लिखे हुए व्यक्तित्व है, जो रचनाएं होती थी आम जीवन से होती थी, किसी विशेष व्यक्तियों से होती थी, संघर्ष से होती थी, जो कि उनकी लिखी विधाओं में क्या मानी जाती है, सबसे ज्यादा प्रशंसित मानी जाती है, प्रशंसा की बात है कि एक होता है कि जैसे हम बात करें कि किसी व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन, ये भी एक कला होती है कि हम किसी व्यक्ति की विशेषताओं किस तरह से बखान करें, क्योंकि हम बात तो कर लेते हैं कि हाँ भाई बहुत से बड़े व्यक्ति हैं, उनके कुछ आदर उनके गुण हैं, लेकिन उनको किस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि वो हमें अच्छे लगे, हर बात हमें अच्छी लगे ना हो, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण क्या होता है, हमें अच्छा लगता है, उसी के जरिए हम क्या करते हैं अपने जो उनके आदर्श होते हैं, उनके प्रयोग होते हैं, अपने जीवन में उतारते से जाते हैं। इसके साथ साथ उनकी भाषा शैली के बारे में बात करें तो जाटू सेन जी ने अपनी अधिकतर रचनाओं में सरल शब्दों का ही प्रयोग किया है, सहज भाव से किया है कि ताकि हमें पढ़ने में कुछ सुविधा हो, हमें आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए। साहित्य विधाओं में एक चीज़ होती है कि हमें जो भी कोई बात कहानी के जरिए कविताओं के जरिए प्रस्तुत की जाती है उसका मूल उद्देश्य आखिर होता ही है कि उसमें भाषाओं को सरल रखा इसलिए जाता है ताकि वो आम जन उसे पढ़े तो उसे तुरंत ही समझ में आ जाए। इसके साथ साथ कहीं देखते हैं हम कि जाटू सेन जी ने गूढ़तम शब्दों का प्रयोग किया है। गूढ़तम ऐसे शब्द होते हैं जो पुराने समय के जो शब्द होते हैं जिनका अर्थ अन्यत्र भी होता है और उसका मतलब कोई आसानी से समझ नहीं पाता है, क्योंकि ये विशेषता भी प्रकट करता है एक साहित्यकार की, अगर सारे सरल शब्दों का प्रयोग करने लग जाए तो इसे किसी लेखक या कवि की विशेषता प्रकट नहीं होती है। इसके साथ साथ हम आगे जानते हैं कि रचनाओं के बारे में जो उनकी प्रमुख रचनाएं रही थी जो आगे है, डोला बीबी का मजाक, अतीत का चेहरा, ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में थी कि उनकी लिखी हुई कुछ प्रमुख रचनाएं। इसके आगे हम पाठ के आगे जानते हैं कि जो पाठ का चैप्टर का नाम है सांवले सपनों की याद। सांवले से मतलब क्या होता है कि हम बात करें करीब से काला भी हो सकता है, उसे हम काले को सांवला भी कहते हैं। कुछ पुरानी याद रही थी जो आज हमारे बीच में जीवंत नहीं है, ठीक है। आगे पाठ परिचय में जानते हैं कि सांवले सपनों की याद किस पर आधारित किया गया है। ये हमारे महान पक्षी विज्ञानी जिसको कहा जाता है सालिम अली के जीवन पर आधारित है, और जो ये रचना लिखी गई थी जो ये पाठ का नाम जो है सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद इसको डायरी शैली के अंदर संस्मरणात्मक लेख के रूप में लिखा गया था। संस्मरणात्मक के बारे में कहें कि संस्मरण आखिर होता क्या है, संस्मरण देखिए होता है कि हमारी किसी पुरानी यादों से विचारों से होता है कि कोई हमारे कुछ समय पहले हमारे ऐसे कोई व्यक्ति मिलता है या उसके बारे में परिचित होते हैं, आगे जाकर हम उसके बारे में लिखते हैं तो वो होती है मेरी पुरानी याद, तो वो आता है संस्मरण में। तो उन्होंने देखिए अपने विधा में क्या प्रयोग किया है, क्योंकि हमने एक बात करी थी डायरियों के बारे में कि ये डायरी शैली में भी अपनी रचनाओं को लिखा करते थे, तो उन्होंने सालिम अली जी के बारे में डायरी संस्मरणात्मक लेख लिखा है, यानी जो उनकी यादें थी उन्होंने किसी कागज पर कलम पर पुस्तक में नहीं, इसको डायरी शैली के रूप में हमारे सामने क्या किया है प्रस्तुत किया है। और यह है सालिम अली की मृत्यु के बाद, सालिम अली जी की जब मृत्यु हुई थी तो ये देखा गया था कि पक्षी विज्ञानी की जहाँ बात कर रहे थे कि पक्षी विज्ञानी वो होता है जो पक्षियों के बारे में अच्छा सा जानकार होता है। एक समय तक जब सालिम अली जी जीवित थे तब उन्होंने पक्षियों को बचाने के लिए बहुत से प्रयास भी किए थे कि जहाँ हम देखते थे कई पक्षियों का जो देखते थे अत्याचार होते थे या पक्षियों को मारा जाता था, तो बचाने के साथ साथ उनकी देखिए कई तरह के जो पशु पक्षी थे उनकी फोटो वगैरह खींच कर अपने पास रखते थे और लोगों को से भी परिचय करवाया जाता कि किस कितने कितने प्रकार के हमारे यहाँ पक्षी जो है मौजूद है, उनके भोलेपन से उनके सुनहरेपन से उनकी जो अलग अलग विशेषताएं होती थी उनसे भी हमारा परिचय करवाया जाता था। तो इस कारण से लिया गया था पाठ की सांवले सपनों की याद। अब वो यादें हमारे बीच में नहीं है, अब वो व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन जब उनकी यादें हैं उनकी जो दीगे उनकी जो रचनाएं हैं उनके जो पक्षियों के चित्र वगैरह है पक्षियों की विशेषताएं जो बताई गई थी वो आज हमारे रूप में क्या है मौजूद है। आगे हम पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों आगे हमने अभी पढ़ा था
जाबिर हुसैन की रचना सांवले सपनों की याद, और इसमें हम पढ़ रहे थे प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने एक डायरी शैली में संस्मरण लिखा है, और उस संस्मरण के अंदर हमें बताया है कि सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। और हमने ये भी देखा है कि सांवले सपनों का क्या मतलब होता है, सांवला किसे कहा जाता है, और उन सपनों की याद के रूप में इस संस्मरण में हम ये देखते हैं कि लेखक ने या जाबिर हुसैन जी ने उनका जो व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है वो अस्मरणीय है, क्योंकि हम यही बात कर रहे थे अभी कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसका प्रस्तुत जो करना होता है, कि वो उसको करना भी एक बड़ी कला होती है, जो जाबिर हुसैन जी ने बड़े अच्छे और रोचक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। और ये जो उनकी भाषा शैली थी, इसकी अभिव्यक्ति है, वो हमारे दिल को छू सी जाती है, और हमें और उनके बारे में हमें अनछुए पहलू के बारे में भी जानने को मिलता है। पाठ की शुरुआत करते हैं सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव, यानी उनकी मृत्यु के तुरंत उपवास जो वहाँ का माहौल जो बना था कि सुनहरे परिंदों के, परिंदों से मतलब होता है पक्षियों के बारे में, कि उन सुनहरे पक्षियों में अनगिनत पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर, यानी कि जो उनकी मृत्यु शैया जा रही है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत से परिंदे हैं, क्योंकि हम ये जात देख रहे थे कि सालिम अली जी के बारे में हमने अभी तक जो पढ़ा था या देखा है कि यही पाया है कि उन जैसा पक्षी के बारे में जान का शायद कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो अब उनकी मृत्यु के उपरांत शायद वो सब बेजान हो चुके हैं, अब उनको उनकी कमी खलेगी, तो इसीलिए कहा है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर उनकी शैया जा रही है। उस हुजूम में, उस भीड़ में, उस मौत की खामोश वादी में, उस घाटी की तरफ सभी और क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, यानी ऐसा माने कि लोग तो जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ कई लगता है कि पक्षियों की यादें उनके साथ भी जाती सी नजर आ रही है। इसमें किसी का रोक टोक सकना कहाँ पर भी संभव नहीं पड़ता, यानी किसी को भी रोका नहीं जा सकता, ये ऐसा माहौल उनके बीच बन चुका है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, जैसा कि हम देखते हैं देहांत के समय जिसको मृत्यु शैया पे लेटा के ले जाया जाता है, उसको सबसे आगे रखा जाता है। तो इस हुजूम में, इस भीड़ में सबसे आगे की तरफ चल रहे हैं सालिम अली, जाके उनकी मृत्यु के तुरंत बाद की घटना जहाँ प्रस्तुत हो रही है, और उनके साथ साथ कई पक्षी भी जो है शायद अपने आप को अपनी एक बहुत कमी महसूस कर रहे हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाया, क्योंकि अपने जीवन भर में सालिम अली जी ने जो पक्षियों के लिए इतना जो योगदान दिया है, चाहे उनके उनके परिचय के बारे में हो, क्योंकि कई तरह के पक्षी जो थे उनके परिचय से हम अनजान थे, लेकिन सालिम अली जी ने उन ऐसे पक्षियों का भी हमसे क्या कराया, परिचय कराया है, और उनका संरक्षण का भी काम उठाया करते थे, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। तो ऐसे में मृत्यु के समय भी ऐसा लगता है कि इतना जो बोझ था, इतना जो संघर्ष था, वो अपने साथ क्या कर रहे हैं, इस अंतहीन, क्योंकि अब जो है सफ़र आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उनका सफ़र बिल्कुल थम सा चुका है, अंतहीन का बोझ उठाए चल रहा है। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। सफ़र की जहाँ बात करें है यात्राओं से होता है, सफ़र का मतलब होता है यात्रा। जो उनकी ये यात्रा है वो उनके पिछले जीवन के कई यात्राओं से भिन्न है, कई सफ़रों से भिन्न है, क्योंकि ये उनकी अब अंतिम सफ़र है, अंतिम यात्रा है। भीड़ भाव की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है, उनकी ये आखिरी गति है, आखिरी यात्रा है, क्योंकि उस समय देखा जब व्यक्ति जीवित रहता है तो कई चर्चित अपरिचित चेहरों से, जिंदगियों से उसका मिलना जुलना रहता है, और यहाँ सालिम अली के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वो था उनके पक्षी। पक्षी उनके लिए एक जिंदगी थी जिसके लिए जिया करते थे। एक तरीके से आगे तनाव के माहौल में भी जैसा व्यक्ति होता है, जीवन संघर्ष करता है, तो कहीं ना कहीं उसको तनाव महसूस होता है, और ये उनके सब पलायनों से आखिरी पलायन है। पलायन यानी पहुँचना एक जगह से दूसरी जगह का, तो उनका है एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश का। अब तो वो उस पक्षी, वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में बसा हो। जैसे पक्षियों की भी बात करें, क्योंकि उनका उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य जो था पक्षी थे, पक्षियों के बारे में वो अपनी यादों को रखा करते थे, उनका परिचय करवाया करते थे, तो अब वो है कि प्रकृति में भी विलीन होने जा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति जब
मर जाता है, तो उसके बाद वो प्रकृति में है, किसी न किसी रूप में विलीन होता है। तो उसे वन पक्षी की तरह ही क्या हो रहा है, अपने अंतिम समय में उस जगह विलीन होना जा रहा है। ऐसा लगता है जिंदगी के कोई आखिरी गीत गाने के बाद, यानी जिंदगी के आखिरी समय बिताने के बाद वो उस मौत में जाकर, मौत की गोद में जाकर बस जाता है। कोई अपने हिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, यानी दोबारा कैसे जीवित जी सकेगा। क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि मरने के बाद किसी व्यक्ति को कोई दूसरा अपना जीवन दे ही नहीं सकता। जैसे कि बात करिए कि कोई अपने जिस्म की हरारत, हरारत का मतलब होता है उष्णता या गर्मी से, कि अपने शरीर की जो गर्मी है, अपनी ऊर्जा है वो देकर, या दिल की धड़कन देकर, दिल भी देकर उसे अगर वापस लौटाना चाहे तो वह दोबारा लौट नहीं सकता। एक समय के बाद वह क्या रहेगा, दुनिया को छोड़कर चला ही जाएगा, यानी अपने वह सपनों को गीत दोबारा नहीं गा सकेगा। यहाँ देखें कि सपनों के गीत से क्या मतलब है, सपनों के गीत से मतलब हो गया है कि जो उन्होंने सपने देखे थे जीवन में, जैसे हम सभी सपने देखते हैं कुछ ना कुछ बनने करने के, या हमारा जो एक विशेष लक्ष्य होता है या हमारा कोई काम होता है तो उसके हम सपने देखा करते हैं। तो यह सालिम अली जी को जो सपने हैं, जो यादें हैं, वो पक्षियों के लिए विशेष थे। अब वे दोबारा उनके लिए गीत नहीं गा सकते, यानी दोबारा उनके बारे में हम दुनिया का परिचय नहीं करवा सकते हैं। आगे देखें, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। सोए हुए पक्षी से मतलब है यहाँ पे सालिम अली जी के बारे में, कि अब दोबारा उन्हें कोई जगाना नहीं चाहेगा क्योंकि ऐसा संभव भी नहीं है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, उसकी खूबसूरती, उसकी बाहरी बनावट को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ऐसा सालिम अली जी ने वर्षों पूर्व ही कह दिया था, जब वो जीवन काल में, अपने जीवन में जब जीवित थे, जब उनके पक्षियों के बारे में, उनकी फोटोशूट किया करते थे, पिक्चर किया करते थे, उनके बारे में लोगों को बताया करते थे, तो समय उनकी कही गई बातें हैं, ये उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते थे। आखिर उनकी ये भूल मालूम क्या होती है कि जैसे जंगल और पहाड़, झरनों और आबशार, आबशार का मतलब तो निर्जर, इसका भी मतलब झरना ही होता है, कि वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने के उत्सुक होते थे। प्रकृति की हम जहाँ बात करते हैं, प्रकृति हमारी एक अद्भुत निराली सी है, जहाँ हम तमाम चीज़ें प्रकृति में, पर्वत, पहाड़, नदी, नाले, झरने, बाग, बगीचे, वन आदि सब देखते रहते हैं। तो उसको आदमी नज़र से देखना और प्रकृति की नज़र से देखना, तो दोनों में बड़ा सा अंतर आता है। आदमी जहाँ प्रकृति में देखता है तो अपने स्वार्थ को देखता है, और प्रकृति नज़र देखे तो उसका संरक्षण, उससे प्रेम की भावना उसमें मौजूद होती है। जहाँ प्रकृति का हमेशा से योगदान रहा है कि वो मनुष्य को कुछ ना कुछ हमेशा से देता ही रहा है, जबकि वो वापस उनसे लेता नहीं है, तो हमें भी एक नज़रिया होता है कि हमें भी प्रकृति को बचाने के लिए तत्पर होना चाहिए। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सोता फूटने से मतलब है कि हम प्रकृति के जिन तत्वों को देखते हैं, चाहे वो पशु पक्षियों को हो, चाहे वो पहाड़ों का हो, चाहे नदी झरनों का हो, उनसे जो आवाज़ें आती है, उनकी जो मधुर संगीत जो होता है, इनका प्रकृति का हम देखते हैं कि जब भी हम कभी परेशानी में, डिप्रेशन में कहीं होते हैं, तो हमने एक चीज़ महसूस की, कभी भी हम जो होते हैं परेशान नहीं होते हैं। परेशान नहीं होने का कारण भी क्या है कि ये चीज़ें जो है हमें आनंद देती हैं। अब पक्षियों की चाहे कितनी ही चेचाहट हो, कभी आपको परेशान करती है नहीं, ऐसा देखा है कि वह हमें क्या करती है, आनंदित ही करती है। जब भी हमारा ऐसा मन होता है या हम जब बहुत से परेशान होते हैं, तो हमने देखा है कि हम प्रकृति की ओर ही जाते हैं, चाहे हम बड़े बड़े बाग बगीचों में जाते हैं, तो वहां देख करके हम आनंद का अनुभव करते हैं। हम सारी अपनी परेशानियों को, संघर्षों को क्या करते हैं, परेशानियों को बिल्कुल भूल से जाते हैं। तो यही कहा गया है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो पक्षियों की चहचहाट को सुनकर, उनके जो मधुर संगीत को सुनकर, अपने बीच में जो रोमांच होता है, जो सोया हुआ रोमांच होता है, उसको फूटने से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता है। हम भी क्या होते हैं, उनकी आवाज़ सुनकर, उनके दृश्यों को देखकर क्या होते हैं, कई ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं। एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। यहाँ देखें मिथक आखिर होता क्या है, मिथक का मतलब होता है कि जो हमारी कुछ पुरानी, प्राचीन जो पुरा कथाएं हैं, प्राचीन जो कथाएं होती है, उनके तत्व होते हैं जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे रामायण भारत के कुछ जो हो गए, उनके उस समय के जो दीवे हैं, उनकी जो बातें हैं, उनमें उस समय के जो उन्होंने आदर, जो उस समय के उन्होंने बातें प्रस्तुत की थी, वो हमारे लिए मिथक हो गए। तो एहसास की ऐसे ही हमारी जो जमीन होती है, जो हम महसूस करते हैं, उसकी मूल जड़ में
जो उत्पन्न होता है, जो नाम आता है, वो आता है सालिम अली जी का। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से भरे अपने मुंह भरे थे। इतिहास का हम देखें कि इतिहास में एक समय का अनुमान जरूर लगाते हैं कि है ना कितने हजारों साल पहले जब ये रासलीला या वृंदावन में रची गई थी, तो यहाँ पर ईश्वर का नाम लिया है, कृष्ण का नाम लिया है, कि जो हम देखें कृष्ण कितने वन प्रिय थे, प्रकृति प्रेमी थे, कि जो उन्होंने अपने मुकुट का भी देखें, उन्होंने मुकुट पे मोर पंख को शोभायमान किया, जैसा कि बाकी राजा महाराजा सोने का मुकुट पहनते थे, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण ने किसका मोर पंख का जो है मुकुट धारण किया था। इसके साथ देखें जब वो जंगल में गायों को चराने जाते थे, पूरे जो गवाल थे वृंदावन के सब जो गाय चराने जाते थे, उस समय भी हमने ये देखा कि कितने सारे जो होते थे वहाँ पे कि कृष्ण जी गायों को चराते थे, और वहाँ पे हमने देखी जो उन्होंने रासलीला रची थी कि प्रकृति को कितना उन्होंने जो है संजो कर रखा था, चाहे वो अलग अलग हम देखें कि जो गायों का मधुर संगीत सुनाना हो, चाहे वो जमुना के किनारे कदम की डाल पर बैठकर चाहे संगीत सुनाना हो, तो ये सारी बातें। और ये इसके साथ साथ भी आते हैं कि उनका जो प्रकृति से बने हुए तत्व थे, जैसे दही माखन के बारे में हम बात करते हैं कि कृष्ण जी के बारे में देखते हैं, उनके बचपन के बारे में हम बात करते हैं कि देखा था कि किस तरीके से जब उन्हें अपने घर में जब वो दही माखन खाने को नहीं मिलता था या वो खा चुके होते थे, उसके बाद भी जब कई गोपियाँ, जब कई गांव की महिलाएं जब बना के ले जाया करती थी, माखन बनाए ले जाती थी, तो श्री कृष्ण किस तरीके से उन्हें खाने के ये लालयित होते थे। आगे हम बात करें कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था, क्योंकि हमने देखे जंगल उस समय पहले के समय, और ये तो कहीं हजारों सालों पहले की बातें चल रही है, तो समय जो जंगल होते थे, वन होते थे, उस समय की हम बात करें तो समय कितने पेड़ होते थे, उन पेड़ों के छांव में बैठकर विश्राम करते थे, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई किया करते थे, कि जब वो बंसी बजाते थे तो सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उनकी धड़कनें तेज हो जाती थी क्योंकि वो संगीत को सुनना चाहते थे, उनकी ऐसी कर्ण मधुर संगीत जो होता था लोगों को रोमांचित सा करता था, केवल मनुष्य को नहीं, उनके देखा कि जब वो समय बंसी बजाया करते थे, जंगल के कई जानवर संगीत को सुनने के लिए उनके पास बैठ जाया करते थे, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी, पूरे वृंदावन जो था क्या हो जाता है, संगीत में हो जाता है, सब संगीत को जो शौकीन थे, सुनने वाले थे, वो संगीत के सुनते उसके पास हो जाया करते थे। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरा घटनाक्रम की याद दिला देगा, क्योंकि हमारी पुरानी यादों में है, हमने इसे पढ़ा है, हमने इसे जिया है, तो आज जब भी ऐसी भूमि पर जाते हैं तो वहाँ का जो पानी, यमुना का जो पानी हम देखते हैं, सांवला पानी से याद आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो एक नदी का वर्णन आया था वो यमुना नदी का आता है, तो हमें जैसे ही वहाँ के दृश्य को देखते हैं तो हमें प्राचीन समय की सारी समस्त जो घटनाएं जो चली थी, जहाँ हमने उसको पढ़ा है, तो वो सारी हमारे एक एक करके याद आने लग जाती है। जैसे कदम का पेड़ देखकर हमें क्या याद आता है कि श्री कृष्ण यहाँ बैठ कर क्या बजाया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। यमुना नदी को देखें तो किस प्रकार उन्होंने कालियाना का विध्वंस किया था। इसके साथ हम जंगल में देखें तो किस प्रकार उन्होंने गायों को चराया होगा। आगे हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह बड़ी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम से जाएंगे। प्राचीन समय में जैसे सुबह का समय होता था, अधिकतर हमारा ग्रामीण परिवेश ही रहा है, तो बात करें सुबह ग्रामीण परिवेश में तो सुबह का समय कैसा होता था, सुबह के समय जैसे सभी उठकर अपने नित्य क्रम करने के बाद अधिकतर गांव में काम किस पे किया जाता था, कृषि होती थी सबके पास, या जो ग्वाले होते थे अपनी गायों को लेकर चराने के लिए निकलते थे जंगल की ओर, कई सारे जो होते थे लकड़ियों को काटने वगैरह के लिए जाते थे। तो ऐसा लगता है कि जैसे हर सुबह सूरज निकलने के बाद, जैसे ही कोई गांव में इतनी जगह नहीं होती है, जैसे जगह का मतलब हो गया कि चौड़ी सड़कें हैं ना, तो यहाँ पर गलियों से बात है कि जब उनके घर जो बिल्कुल पास पास बने होते थे उसमें पतली गलियाँ होती थी, तो उस समय कई लोग जो अपने काम के लिए और बढ़ते थे, चाहे वो कृषि खेती के लिए जाता था, चाहे अपने गायों को चराने के लिए जाता था, या हम बात करें कि चाहे वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाता था, तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे अचानक से उस भीड़ में से निकल कर कोई आएगा और अपनी बंसी की आवाज़ में सभी को क्या कर देगा, वहीं एक जगह रोक देगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आज
कृष्ण भी हमारे बीच है नहीं, तो इस कारण से ऐसा आज भी वहाँ महसूस होता है कि शायद, लेकिन उसको अंतर्मन से महसूस किया जाता है। उस जगह परिवेश में जाए तो आज वो ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्मन से महसूस होता है कि शायद वो हमारे बीच आकर बंसी बजा रहे हैं, तो हमें अनायास ही कुछ सा संगीत सा सुनने का अनुभव सा होता जाता है। आगे देखें कि हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे ही बस कुछ क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। अब यहाँ बात करें वाटिकाओं से, बड़े बड़े उद्यानों से बात करें कि जब बड़े बड़े उद्यानों को भी देखें तो ऐसा लगता है वहाँ का, जाके बात करें कि कुछ जो बड़े बड़े उद्यानों में जहाँ बात करते हैं कि वहाँ का जो माली होगा सैलानी को, यानी अगर इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि आज हम कहीं घूमने भी जाते हैं, आज जैसे कि उस समय के वन जैसी चीज़ तो रही नहीं कि आम आदमी वहाँ पे जा सके, क्योंकि आज हम माहौल भी जैसा देखते हैं कि आज उन्हें बड़े बड़े उद्यानों में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अगर ऐसे किसी वाटिका में भी हमारा जाना हो, क्योंकि हमारी यादें हैं वहाँ की, अगर हम वृंदावन भी जाते हैं तो वहाँ का माली अगर सैलानियों को हिदायत देगा कि अब क्या होगा, समय समाप्त सा हो रहा है, सूरज ढल सा रहा है, यानी संध्या का समय हो रहा है, तो हम देखते हैं कि उस वाटिका को, उस उद्यान को क्या कर दिया जाता है, खाली करा दिया जाता है। जो भी वहाँ लोग सैलानी दर्शन करने के लिए, सैलानी का मतलब हो गया घूमने के लिए, देखने के लिए जो लोग बाहर से आते हैं, बाहर से मतलब कहीं से भी हो सकता है, तो अब जैसे जैसे ही वो संध्या होने का समय होने का, सूरज ढलने का संकेत देता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि अब कुछ ही क्षणों में, सुबह के समय नहीं हुआ तो अब संध्या का समय हो सकता है कि किसी ही पल वहाँ कहीं से कुछ संगीत जो होगा चलने लगेगा, और उस संगीत का जादू पूरे वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा सा जाएगा। पूरा वाटिका जो है, पूरा उद्यान जो है, उस संगीत के माहौल में पूरा झूम सा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण लिया था कृष्ण से और वृंदावन से। वृंदावन का जो नगरी है, वृंदावन की जब बात करें, उद्यानों से भरपूर है, वन वाटिकाओं से भरपूर है, तो उन्होंने वृंदावन के लिए कहा है कि आज श्री कृष्ण तो नहीं है, लेकिन क्या वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू क्या कम हुआ है क्या? हम भी ये मानते हैं कि नहीं, अगर हम उस जगह विशेष भी जाते हैं, दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, तो हम क्या महसूस करते हैं कि हमें वहाँ जाते एहसास होता है कि शायद वास्तव में हमारे सामने वो कृष्ण जो है, या उनकी जो रासलीलाएं रची थी, जो उनके जादू जो है, उनके चाहे उनके रहने का एहसास हमें वहाँ पर जाते पहुँचते ही हो सा जाता है। आगे देखें तो सालिम अली जी ने बड़े ही अच्छे, या हम बात करें इसके साथ साथ जाबिर हुसैन जी ने, उनके जो प्रस्तुतिकरण है उस प्रस्तुतिकरण में उन्होंने सालिम अली के साथ साथ जो वाटिका का या हम वृंदावन की बात जोड़े, तो शायद वो हमें उनसे बिल्कुल क्या करता है, जोड़े रखता है। क्योंकि वृंदावन का नाम लें तो वृंदावन का नाम जैसे ही आता है तो श्री कृष्ण का नाम उसके साथ साथ ही आता है, क्योंकि दोनों नाम एक दूसरे से काफ़ी क्या है, जुड़े से हुए हैं। अगर श्री कृष्ण का वृंदावन से नाम अलग कर दिया जाए तो वृंदावन का महत्व बिल्कुल समाप्त सा हो जाता है। उसी प्रकार हम देखें कि सालिम अली का जब नाम आता है तो पक्षियों का नाम जरूर आता है, बिना पक्षियों के सालिम अली का जीवन व्यर्थ सा प्रतीत होता है, तो दोनों का ही क्या है, मिला जुला रूप है, एक के बिना दूसरा अधूरा माना जाता है। ठीक है, आगे के चैप्टर को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।